वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि रोड बनेंगे, बड़ी बड़ी रोडे बनेंगे, आपका पूरा वादा करेंगे, पट्टा मिल जाएगा, सड़क बन जाएगी, पानी की सुविधा हो जाएगी, सब हो जाएगी। पर वो कांग्रेस की आदत है, कागजों में रखो, आगे कुछ नहीं करना है। बोर तो घने दो दिया दे दिया, पर भनीस को निके कारण सा तो सा लो थार कर तो जना भनी नहीं, हम काय कर। हमारी दो सड़कों की मांग है, वो कर दीजिएगा प्लीज। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको जोधपुर शो। क्षमा गणी, मैं गरिमा और आप देख रहे हो झलको जोधपुर। और आज मैं आएगी हूँ वार्ड 69 माता का थान, जिसको पावटा माते है मगरा पुंजरा एरिया में, वठे आई हूँ। अठे कई कई दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं यानी समय सारी सुनवाई हो रही है, जानाला आज रे वीडियो में। कई कई दिक्कत आ रही है अठे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिक्कत आ रही है कि हमारे यहाँ ये रोड बन रही है, जिसके बीच में ये छोटा सा चौराहे होना चाहिए, जिसके कारण हर रोज एक्सीडेंट होता रहता है, क्योंकि यह जगदम्बा कॉलोनी से भी रोड आती है और जाने की भी रोड आती है, बीच में चौराहे छोटा नहीं होने के कारण हर रोज़ एक दो दुर्घटना होती रहती है। और साथ ही साथ हमारे रामबाग की ये मुख्य सड़क है, जिसको आदमी को जीते जीते तो परेशानी होती होती है, जिस समय आदमी की सांस निकल जाती है उसी समय मरते मरते भी उस खड्डों में जाना पड़ता है। इसीलिए ये सड़क मुख्य रामबाग ये हर वार्ड में लगती है, सित्र का भी लगता है, गुनसित्र का भी लगता है, इकोत्तर की लगती है। अब किसको बोले, ठेठ तक बहुत खड्डे हैं, बहुत पानी भरा हुआ है समसिया, और यह हर रोज़ एक्सीडेंट होता रहता है। पॉइंट है ये चौरे नहीं, इधर वाला आने वाला व्यक्ति इधर घूमता है और इधर वाला इधर आता है, मुख्य एक्सीडेंट होता है। एक दो आदमी की मौत भी हो चुकी है यहाँ पर पहले, काफ़ी समय से है, क्योंकि ये डिवाइडर पूरा नहीं है। तो आप इस बारे में कि नहीं कंप्लेंट करी? नहीं मैडम, नहीं कंप्लेंट तो किसी को नहीं की है, दो तीन दफा ये की थी, सर्वे होया था, काफ़ी बार सर्वे होया था, आया था, देखा था, लेकिन रोड का किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था। सर्वे होगा भी नहीं, सर्वे होगा भी नहीं, ये सड़क ऐसे ही चलेगी। मैडम क्यों लागे आपने? ये हमको पता है ना मैडम, जो पार्ट से जीत कर आया वो उसको पूछो वापस आया क्या यहाँ पर। वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि रोड बनेंगे, बड़ी बड़ी रोडे बनेंगे, आपका पूरा वादा करेंगे, और करते कुछ नहीं है। एक साल हो गया पार्सल बने हुए और नौ सालों से यही देख रहे हैं। एक बार भी आके हमारे कॉलोनी में एक बार पैर रखा गया जीतने के बाद? वोट मांगने आया आज, आप बताइए सड़क की प्रॉब्लम वगैरह मैडम है उनके, एक ही है पन्ने छपा दिया, पट्टा मिल जाएगा, सड़क बन जाएगी, पानी की सुविधा हो जाएगी, सब हो जाएगी। पर वो कांग्रेस की आदत है, कागजों में रखो, आगे कुछ नहीं करना है। आराम से थोड़े दिन आराम से धक्के खाओ, उसके बाद करेंगे। अच्छा, वो ऐसे बोलते हैं? महापौर का अग्रह क्षेत्र है, वो भी कराना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ राजनीतिक छोड़ो, ये तो अंतिम विदा जाने का रास्ता है, राजनीति को छोड़ो। राजनीति क्यों छोड़े? पार्षद कहाँ से आया है पहले ये बताओ ना, पार्षद कहाँ से जीत कर आया है? पार्षद सिर्फ अपना घर, पार्षद कहाँ से जीत कर आया है मुझे ये बता दो आप। क्या पार्षद बोलता है कि भाई मैं यहाँ से जीत के आया हूँ, तो उनको ये तो ध्यान रखना चाहिए ना, क्या भाई हमारी ये शमशान रोड 60 फीट रोड है। तो आते हैं, बड़े बड़े वादा किया है उन्होंने कि रोड बनेंगे, ये काम करेंगे, जीत के बाद में एक दिन भी हमारे गली में आके नहीं जाके हम रोड आपकी तैयार करेंगे। आती है बड़े बड़े वादे किया है, चौराहे पे आया है। मैडम को बोलो ना कितनी बार आके गए हमारे मोहल्ले में, कितनी बार आके गए आप? एक बार ही आगे गए क्या हमारे मोहल्ले में? मैं तो ये पूछ लेता हूँ, आप एक बार ही आगे गए क्या, या किसी को सांत्वना दी क्या आपने कि भाई आपके ये चीज हो जाएगी? मैं तो ये आप पूरी गली देखो, एक बार आप जाके देखिए सड़क की स्थिति ये होनी चाहिए क्या? ये मुख्यमंत्री का गढ़ है और इस गढ़ में अगर सड़क नहीं है तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। मतलब नहीं, ये रोड रामबाग की है मुखिया, ये बननी जरूरी है, क्योंकि इसमें आदमी की अंतिम विदा होती है, तब भी ये आराम से कोई भी जा सकते हैं। जगह जगह आप निरीक्षण करो, खड्डे हैं, बाकी राजनीतिक तो ऐसे ही चलती आई, मैंने तो 20 साल में देखता रहा। बाकी ये सड़क होनी चाहिए हमारे तो रामबाग के लिए, कि ताकि इसमें क्या कोई भी जाए आराम से, बालिका विद्यालय बच्चे भी जा सकते हैं, पानी भरा हुआ। राजनीतिक तो ऐसे चलती रहेगी, राजनीतिक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सड़क बननी चाहिए। और ये महापौर का भी छत्र लगता है और पार्षद का भी लगता है। अब मैडम और मैन मैडम महापौर करेगी तो पार्षद करेंगे, बाकी महापौर मैडम भी अब पास में बैठे, यहाँ 200 मीटर पास में घर है, तो फिर बजट तो पार्षद को देंगे तब होगे ना। मैडम ऐसा है, 1979 से मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बाढ़ आई, लोग बाग तिरते थे, उस समय मैं आर्मी में सर्विस करता था, लोगों को तिराए हैं, तिरा हूँ, जो भी किया हूँ लोगों को बचाए हूँ। लोग हमें नहीं पूछते हैं, हमारा सीवरेज बनी है, रोड बने हैं, भाई रोड टूटे फूटे हैं, ठीक, उन रोडों के बीच में बैठे हुए हैं, सीवरेज हमारी डटी हुई है,
पार्षद हमारे पास में, आज तक हमें शक्ल नहीं दिखाई। हमारी दो सड़कों की मांग है, वो कर दीजिएगा प्लीज, मेहरबानी आप लोगों की। देखे सड़क रही आ रही है, पानी को समझ आ रही है, सब करो है काम, सड़क की बनाओ, नालिया हाउल करो। कितना टाइम हुआ आ रही है? चार पाँच आठ नौ साल करी तो कौन नहीं, बोर तो घने दो तीज हजार दे दिया, अपन बनी को नहीं कह कारण सा तो साल लो थार कर तो जाना बनी नहीं है, हम क्या करें। देखियो कि अटे लोगों ने कितनी सारी दिक्कत आ रही है और दिक्कत की वजह से कितना सारा जन हानि भी हो रही है अटे, तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो और ताकि प्रशासन तक पहुँचे इन लोगों की आवाज़ और जिनकी समस्या है और समाधान हो सके। अगर आपके क्षेत्र में भी यदि कोई समस्या आ रही है और आप माने थ्रू और समस्या और आवाज़ उठानी चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सको। सब्सक्राइब करना मत भूल जो झलको जोधपुर चैनल ने, बेल आइकन तो दबाना है ताकि जितना भी नया वीडियोस आवेला आपने करें नोटिफिकेशन आ जावेला। फेसबुक माते भी आपने लाइक करना है, फॉलो करना है झलको जोधपुर पेज ने। जय हिंद, जय जोधाना।